नमस्कार, अर्निंग फोलियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो मेरे उन मित्रों के लिए है जो कि अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या शेयर मार्केट उनके लिए है, क्या उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी में और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे वॉरेन बफेट और झुनझुनवाला की बड़ी बड़ी स्टोरीज दिखाई जाती है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए, हजारों करोड़ों रुपए बनाए, और कैसे वो शेयर मार्केट के जरिए दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने। लेकिन आप एक बात हमेशा जान लीजिए, पैसा कमाना, ईमानदारी से पैसा कमाना हमेशा से डिफिकल्ट रहा है, और शेयर मार्केट उसमें कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉटरी है जहाँ पर कि आपने पैसे लगाए और आपके पैसे रात रातों रात दुगने हो गए, चार गुने हो गए। ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भी शेयर मार्केट में होते, वो सारे के सारे सबसे रिचेस्ट पर्सन होते। और साथ ही साथ अक्सर आप सुनते होंगे कि लोगों के शेयर मार्केट में पैसे डूब गए, उनके पैसे नहीं डूबते। इसका मतलब कि कुछ एक बात है, कुछ एक चीज़ है जो कि ये जाननी जरूरी है इससे पहले कि आप शेयर मार्केट में अपने पैसे डालें, क्योंकि एक एक किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि किन चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि खतरे की घंटी है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकती है। तो ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि रियली ये परखना चाहते हैं कि क्या वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बने हैं, क्या उनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो सकती है कि वो शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे कमाए, क्या हर कोई झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट की तरह रिच नहीं बनना चाहता, पर एक डिसेंट और यू नो रिटर्न ले सकते हैं कि आप शेयर मार्केट से, इवन दो कि आप उनके तरह बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हो या फिर उनके तरह बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के अंदर ना हो। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इससे पहले हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट का नेचर कैसा है, किस तरह का नेचर है। हर एक इन्वेस्टमेंट का एक नेचर होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है, उसका एक नेचर है कि आप पैसे डालो और बैंक आपको एक फिक्स अमाउंट में देगा, उतने टेनर के लिए आपने पैसे लॉक हो गए, लेकिन आपको एक रिटर्न मिलेगा और आप शांतिपूर्ण तरीके से उस समय के बाद से उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसका नेचर ऐसा भी होता है फिक्स डिपॉजिट का, कुछ बैंक जो है आपको अगर आपने पहले उसको ब्रेक कर दिया तो आपको कुछ पेनाल्टी दे सकते हैं, तो आपको वो नेचर ऑलरेडी पता होता है, और आप जब उस नेचर के साथ जब आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के नेचर को जानते हुए, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि उससे मुझे क्या मिलना है, कहाँ रिस्क है और कब मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह से हम शेयर बाजार के भी नेचर को जानने की कोशिश करेंगे। तो शेयर बाजार जो है वो एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न टाइप की चीज़ है। हाई रिस्क हाई रिटर्न का मतलब क्या है? शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली एक दुकान में पैसे लगाने जैसा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा दुकान में पैसे लगा रहा है और वो बोलता है कि हाँ, आप आपका पड़ोसी है मान लीजिए, और आपसे कहता है कि ऐसा है भाई साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप मुझे कुछ पैसे दे दो तो मेरी दुकान बहुत अच्छी चला करती है, तो जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसमें से आपको दिया करूँगा, और दुकान धीरे धीरे बड़ी करेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करेंगे? आप जो है बेसिकली क्या पैसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको पैसे लगाने के पहले यह जानना जरूरी है कि उसके दुकान में कितना सामान बिकता है, उसके कितने ग्राहक हैं, साल भर में कितना बेच लेता है वो, और उसके जो है उसकी खुद की स्थिति कैसी है ना, बहुत सारे, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उस पर भरोसा लोग कितना करते हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे पैसे लेने के बाद दुकान बंद करके भाग जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में सवाल उठाएंगे। शेयर मार्केट भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप बेसिकली एक तरह से उस कंपनी में एक छोटी सी भागीदारी खरीद रहे होते हैं। तो छोटी सी भागीदारी खरीदने का मतलब ये है कि उस कंपनी के उतार और चढ़ाव में आपका लाभ और हानि छुपा हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, जैसे कि एशियन पेंट्स को आप देखिए, जनवरी 1985 में शेयर जो ऑलमोस्ट 10 रुपये का, 5 रुपये का शेयर रहा होगा, वो आज के डेट में 1380 का है ना। एट द सेम टाइम डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को देखिए, जो कि जनवरी 2011 में जो शेयर 150-200 से ऊपर का शेयर रहा होगा, वो आज के डेट में ऑलमोस्ट शून्य हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने एशियन पेंट्स में पैसे लगाए, वो एशियन पेंट्स
कुछ जानते थे कि ये कंपनी बढ़ेगी इसलिए मैं पैसे लगा रहा हूँ, ये एक ऐसा दुकान है जो चलेगा आखिर में. लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों ने डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाए उन्होंने वो गलती कर ली कि वो पहचान नहीं पाए कि ये दुकान चलेगी या नहीं चलेगी. अगर उन्होंने पहचान भी लिया से कि ये दुकान चलेगी, फिर भी उन्होंने जैसे कि इसमें आपने देखिए बीच में इसका काफ़ी अच्छा शेयर का प्राइस बीच में वापस 100 रुपये से ऊपर गया, तो वो लोग शायद एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एक आशावादी व्यू में रहे कि ये कंपनी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी. उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, शायद ये जान जाकर जानने की कोशिश नहीं की कि दुकान में चल क्या रहा है. जैसे कि आपने पैसे तो लगा दिए पहले हफ्ते पहले महीने पहले यू नो 6 महीने 1 साल पैसे आपको मिले भी वापस, लेकिन उसके बाद से आप सो गए कि ये तो दुकान अच्छी ही चलेगी अच्छी ही चल रही है. आपने कभी ये जाकर जानने की कोशिश नहीं की कि शायद दुकान जो है वो अभी भी पुराने सामान बेच रहा है और मार्केट में नए तरह के कपड़े आ गए हैं या नए तरह के सामान आ गए जो कि दुकान आगे मूव नहीं कर रही है या दुकान जो है अब लॉस मेक कर रही है. तो ये हाई रिस्क हाई गेन है, यानी कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको करोड़पति बना दे और हो सकता है कि आपको रोडपति बना दे. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपका मूल पैसा है वो पैसा कभी भी नुकसान नहीं हो, ये आपका हमेशा से ही टारगेट होना चाहिए कि जो आपका आपने 100 रुपये लगाए हैं तो एटलीस्ट 100 रुपये 0 रुपये ना हो जाए, 100 से ऊपर तो जाना चाहिए, कैपिटल लॉस तो नहीं होना चाहिए, है ना. अब हम आगे बात करते हैं कि ये और किस तरह का इन्वेस्टमेंट है. तो ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट है लेकिन वोलाटाइल है. लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे आप जिसको आप कभी भी पैसे निकाल सकें, जैसे जमीन. जमीन जो है वो इतना लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने जमीन खरीदने में भी टाइम लगाते हैं आप और फिर बेचने में भी टाइम लगता है. तो अगर मान लीजिए कि आपने जमीन में पैसा लगाया है आज 1 लाख रुपए और आपको यू नो 1 साल के बाद जमीन 2 लाख की बिक रही है, लेकिन आपको पैसे तुरंत चाहिए 2 दिन के अंदर पैसे चाहिए, तो आप जमीन बेच के पैसे नहीं ले पाएंगे, तो ये नॉन लिक्विड इन्वेस्टमेंट हुआ. यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है लेकिन लगाने में पैसे लगाने में भी टाइम लगते हैं और एक गवर्नमेंट प्रोसेस होता है तो पैसे निकालने में भी टाइम लगते हैं, बायर ढूंढने में टाइम लगते हैं, है ना. और एट द सेम टाइम लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, लिक्विड इन्वेस्टमेंट ये हुआ जिसमें आप पैसे लगाएं और जब चाहें तब आप अपने पैसे वापस ले लें. जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फिक्स डिपोजिट है उसके हिसाब से वो लिक्विड होता है या फिर नॉन लिक्विड होता है. अगर बैंक ने स्ट्रिक्टली रखा है कि आप 2 साल के लिए पैसे आपने दिए एफडी में और अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो बैंक आपसे हैवी यू नो पैसे वसूलेगी वो एज ए यू नो पेनाल्टी एंड ऑल, तो क्या हुआ वो एक तरह से थोड़ा सा नॉन लिक्विड हो गया वो उस समय के लिए, क्योंकि आपने पैसे निकालोगे तो आप लॉस करके निकलोगे, है ना. अगर आप पैसे रखोगे तो आपको पैसे चाहिए तो आपको तो तोड़ना ही पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड का इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप. शेयर मार्केट जो है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा इसमें कैच है, हम इसमें एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि कब ये नॉन लिक्विड हो जाता है. हाईली लिक्विड का मतलब कि ज़्यादातर शेयरों में आप पैसे कभी भी लगा सकते हैं और फिर कभी भी आप निकाल सकते हैं. जनरली पैसे खरीदने के 3 दिन के अंदर आपके पास शेयर आ जाते हैं और बेचने के 3 दिन के अंदर आपके पास पैसे आ जाते हैं. कभी कभी कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि जिनमें बिल्कुल ही मार्केट का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई खरीद नहीं रहता या कोई बेच नहीं रहा होता है, ऐसे शेयर्स जो है वो बहुत ही रेयर होते हैं. लेकिन वैसे शेयर जो है वो ऑलमोस्ट नॉन लिक्विड कैटेगरी में चले जाते हैं, वहाँ पर आपने पैसे लगा के आप वहाँ पर कुछ समय के लिए फंस सकते हैं क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है, आप जब बेचना चाहते हैं उस समय वॉल्यूम नहीं है उसमें. तो ये एक छोटा सा चीज है जो कि इसको जो लेकिन ये बहुत ही कम शेयरों के साथ होता है और जनरली ऐसे शेयरों के लिए सेबी भी अपनी गाइडलाइन जारी करती है, वो अलर्ट जारी करती है कि ये शेयर नॉन लिक्विड हो रहे हैं या फिर उन शेयर्स के यहाँ तक सेगमेंट भी चेंज कर दिए जाते हैं. तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन उन शेयर्स पे हैं और वैसे बहुत कम शेयर होते हैं जनरली. सो ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट है लेकिन एट द सेम टाइम ये वोलाटाइल है. वोलाटाइल कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने आपका एक जमीन का पैसा है ना, जमीन का जो रेट है वो कॉन्स्टेंटली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है ना. वो भी वोलाटाइल है लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज आपने 1 लाख की जमीन खरीदी तो कल एकदम से वो 1.25 लाख की हो जाएगी या फिर एकदम से 75,000 की हो जाएगी, फिर 6 महीने में जो है वो एकदम से बिल्कुल 90,000 की हो जाएगी, फिर वो या फिर एकदम से 5 लाख की हो जाएगी. मतलब इस
कहने का मतलब यह है कि जो रेट बढ़ने का एक रेट होता है वो एक कांस्टेंट रेट होता है, या एफडी में भी आप देखिए कांस्टेंट रेट से पैसा बढ़ता है, या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, उसमें टाइम के साथ एक कांस्टेंट वे में पैसा बढ़ता है, वोलाटाइल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कभी रेट कम हो जाएगा, कभी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में जो है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सेंटिमेंट, डिपेंडिंग अपॉन लोग उस शेयर के बारे में क्या सोचते हैं, डिपेंडिंग अपॉन न्यूज, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, डिपेंडिंग अपॉन फॉरेन में कोई अगर फॉरेन कंट्री का कोई एक्शन होता है, या वार हो जाए, या फिर ड्राउट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शेयर मार्केट को बहुत ईजिली इफेक्ट करने लगती हैं। और वैसे में उन चीज़ों से रिलेटेड जो शेयर्स होते हैं, जैसे जो कुछ शेयर होते हैं जो रुपये के ऊपर चढ़ने से शेयर का भाव गिरेगा, रुपये के नीचे गिरने से शेयर का भाव बढ़ेगा, क्योंकि उस वो रुपये के जो एक्सचेंज वैल्यू है डॉलर के मुकाबले, जो रुपये की वैल्यू है उससे जुड़ा हुआ है, तो वो उसको अफेक्ट कर जाता है। कई बार इसके चलते ऐसा हुआ कि अगर अमेरिका में अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो एक्चुअली वो इंडिया के स्टॉक को इन्फ्लुएंस करने लगता है, इंडिया के स्टॉक को प्रभावित करने लगता है। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो शेयर मार्केट का जो वोलाटाइल है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कब कहाँ कैसा हो सकता है बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि हाँ, कुछ है, कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ चीज़ों को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कि इसका प्रॉफिट कैसा होने वाला है, या इसका आगे ग्रोथ कैसा दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है, जैसे कि शेयर मार्केट में आप कभी भी शायद एकदम बॉटम में नहीं घुसेंगे, किसी भी शेयर का प्राइस सबसे लोवेस्ट हो 52 वीक का भी या वॉट एवर, ऐसा शायद ही होगा कि आप एकदम बॉटम में उसको खरीद लें, और जब वो एकदम टॉप 52 वीक हाई के टॉप में बिक रहा हो उस समय आप उसको बेच दें। ऐसा नहीं होता, ये ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि इसका बॉटम कहाँ है। कोई भी चीज़, एक छोटे सा इंसिडेंट जो है वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदल सकती है। एक छोटा सा डिसीजन किसी और कंट्री में लिया हुआ डिसीजन जो है वो शेयर मार्केट के में का इम्पैक्ट लाता है। यहाँ तक कभी कभी तो नैसडेक के शेयर डाउन होते हैं, उसके चलते सिंपली भारतीय भारतीय शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। मतलब कोई लिंक नहीं है, कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही जाएगा, इसलिए ये बहुत ही वोलाटाइल है इस वे में। अब हम आगे जाते हैं और सोचते हैं कि जब अगर आप भी इन्वेस्ट करेंगे, जब भी शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंटेंसिव है। इसे इंटेंसिव कहने का मतलब कि आप अगर एक एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रियली रियली अच्छा खासा पता होना चाहिए वो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, वो कंपनी क्या बनाती है, उसके मार्केट में क्या डिमांड है, कहाँ पर वो कंपनी जो है किसको बेचती है, किससे खरीदती है। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप ये जान पाए कि ये इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कौन कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको अगर फैक्टर्स की जानकारी होगी तो आप उस फैक्टर्स के हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि अगर आपको ये पता होगा कि अच्छा डॉलर से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, रुपये और डॉलर के भाव से जो है आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मार्केट जो है अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। जैसे कि आईटी कंपनीज जो है उनका सारा रेवेन्यू डॉलर में होता है, इन्फोसिस उसका रेवेन्यू डॉलर में आता है, लेकिन जब वो इंडियन मार्केट में जब सेबी को और अपना प्रॉफिट शो करती है तो रुपीज में शो करती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो डॉलर आज 70 है, कल मान लीजिए कि अब 80 रुपये का हो गया है डॉलर, तो ये कंपनी एक डॉलर जो इसने कमाया, तो अगर आज वो एक डॉलर आज कमाती है तो 70 रुपये जो प्रॉफिट दिखाएगी या 70 रुपये कमाई दिखाएगी, लेकिन डॉलर जब 80 हो जाएगा तो वही एक डॉलर, तो वो एक डॉलर ही कमा रही है लेकिन अब वो 80 रुपये प्रॉफिट दिखाएगी या कमाई दिखाएगी वो, राइट। तो डॉलर के बढ़ने से आईटी कंपनियां जनरली खुश हो जाती हैं क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा उनका जो अर्निंग है वो डॉलर में हो रहा है और उनको रुपीज में अपने वो दिखाने। एट द सेम टाइम जो कंपनियां आयात करती हैं, जो डॉलर में कोई चीज़ को खरीदती हैं, उनके लिए जो है ये डॉलर का मजबूत होना जो है उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो आपने एक चीज के बारे में रिसर्च किया कि कंपनी के डॉलर पर निर्भरता है या नहीं, क्या डॉलर के चलते इसका रेट चेंज हो सकता है कि नहीं, तो वो चीज जो है उसको आप यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट कि आगे कैसा हो सकता है अगर रुपये और डॉलर की वैल्यू कम या बढ़ रही है। तो
और एक साथ में जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके हिस्ट्री के बारे में जानना होता है। ये अगेन ये एक दुकान में इन्वेस्ट करने जैसा है। आपको आपको पता है कि आपके बगल वाले दुकानदार जो है वो साल दर साल प्रॉफिट पर प्रॉफिट बना रहे हैं। पहले छोटा सा घर था, फिर बड़ा सा घर बना लिया, फिर गाड़ी ले ली, फिर ये ले लिया। आपको पता है कि वो दुकानदार जो है वो पैसे बना रहा है, तो अगर उसकी दुकान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा मुझे भी होगा, है ना, वो अपने प्रॉफिट में से मुझे भी बांटेगा। ये चीज जो है कंपनी के हिस्ट्री से लेट हुई। तो आप कंपनी की हिस्ट्री को जानिए कि कंपनी जो हिस्टोरिकली कैसे ग्रो हुई, कैसे कैसे उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ, कैसे कैसे आप यू नो कैसे कैसे जो है डिसीजंस लिए उसने जो उनके लिए जो है फायदेमंद साबित हुए। ये जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज को जाने, पर एक एटलीस्ट आपको एक पता चलता है कि ओवरऑल इसका जो मालिक है कंपनी का, वो मालिक जो है अच्छा काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है ना। तो ये एक अनदर टाइप का रिसर्च हो गया। इसके अलावा आप सेक्टर में रिसर्च करते हैं कि किस सेक्टर में काम करती है, उस सेक्टर कितना वोलाटाइल है, उस सेक्टर में कंपटीशन कितना है, उस सेक्टर में ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। मान लीजिए कि आपने एक सेक्टर में आप घुसे, जैसे तेल के, जैसे भारत में जो तेल की खुदाई होती है, तो उसके लिए पहले बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है कि कहाँ पर तेल मिलेगा, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और ऐसी कैपेबिलिटी बहुत सारी कंपनियों में नहीं है। भारत में जैसे मुझे जहाँ तक पता है ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है बीपी जो है वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट करती है, रिलायंस इस तरह की इन्वेस्टमेंट करती है, तो गिनी चुनी कंपनियाँ हैं, ONGC इस तरह की इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपको आपको पता है कि इसका कंपटीशन कितना है, राइट कि इस कंपनी का कितना कंपटीशन है, इसके पीयर ग्रुप्स कितने हैं जो कि कितना कंपीट कर सकती है। प्लस आपको ये पता है कि इवन दो उनका जो कंपटीशन है उसमें वो कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, उसका मार्केट शेयर कितना है, कितना मार्केट में कितना पार्ट को वो होल्ड करती है उसके उस और उस मार्केट शेयर के हिसाब से वो कितना प्रॉफिट बना पा रही है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का 50% मार्केट शेयर है, लेकिन प्रॉफिट बनाने के समय में वो सिर्फ 25% मार्केट को होल्ड करती है, लेकिन 25% जो टोटल प्रॉफिट है, मार्केट प्रॉफिट, उसमें वो 25% से ज्यादा नहीं बना पाती है। तो ये आपको सोचने की बात है कि इवन दो वो मार्केट में यू नो एक अच्छा सेगमेंट कवर करती है, पर वो प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रही है। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि कंपनी का आगे की ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, खासकर बदलते समय के साथ। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी जो है वो मोबाइल फोन बनाती है ना, जैसे ब्लैकबेरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लैकबेरी कंपनी रातों रात खत्म हो गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। रातों रात कहने का मतलब कि बहुत शॉर्ट टर्म में कंपनी शिखर से बिल्कुल यू नो फर्श पे आ गई। ये ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्लैकबेरी जो है वो बदलते समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाई। ब्लैकबेरी को लगता था कि जो छोटे छोटे बटन्स हैं उनके यू नो फोन पे, वो फोन पे बटन जो है वो बहुत ही यू नो अट्रैक्टिव है। ब्लैकबेरी जिसके हाथ में होता है वो बड़ा ही वो ना अपने आप को हाई एंड एग्जीक्यूटिव समझता है, या उस तरह की एक परसेप्शन बनाया उसने। लेकिन वो ये भूल गई कि जब एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया और जब एंड्रॉयड फोन्स लॉन्च हुए, तो एक बेटर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी सामने आई, इसको उन लोगों ने बहुत तेजी से यू नो बुनाया, पर ब्लैकबेरी पीछे रह गई। और आप बिलीव कीजिए कि ब्लैकबेरी ज़्यादा पीछे नहीं थी, साल डेढ़ साल में उसने भी ट्राई किया कि ये सब चीज़ों को वो लॉन्च करे, लेकिन साल डेढ़ साल समय ही काफ़ी था इस ब्लैकबेरी को मार्केट से आउट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को हमेशा एक कंपनी को एक विजन चाहिए, आगे क्या होगा, कैसा होगा, और उसको कैसे अचीव करेंगे एक्चुअली। और ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आगे ग्रोथ पे ध्यान रखना। और एट द सेम टाइम आप एज ए इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, आप ये कंपनीज के रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि कंपनी का एक्चुअली प्लान क्या है, क्योंकि जनरली कंपनीज ये सब प्लान्स को अनिवल करती रहती है, बताती रहती है कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले। तो आपकी एक नज़र होनी चाहिए क्या ये मार्केट के हिसाब से चल रहा है, क्या मार्केट में रियली इस चीज़ की डिमांड है जिधर ये बढ़ने की कोशिश करी है। सेम विद द CD एंड पेन ड्राइव, यू नो जैसे कि आपको याद होगा CD कभी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, CD राइटर एंड उसका DVD आई, एक साथ पाँच पाँच मूवीज उसमें डाली जा सकती हैं, है ना। और उसके बाद जब पेन ड्राइव आया, उसने एक तरह से इन दोनों को रातों रात अगेन बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसने इनको आउट कर दिया मार्केट से। तो कोई एक कंपनी जो कि CD बनाती थी पहले या DVD बनाती थी पहले, अगर वो कंपनी आगे मूव करके पेन ड्राइव में नहीं जाएगी तो वो कंपनी खत्म हो जाएगी, राइट, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही खत्म हो गया। तो ये बहुत ही जरूरी है कि मार्केट में एडवांस में जानना कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आपने ये सब चीजें कर ली, बहुत ही अच्छी कंपनी ढूंढ ली, सब कुछ अच्छा है उसमें, सब कुछ अच्छा होने के बाद आपका ये ध्यान होना चाहिए कि भाई इसका राइट प्राइस क्या है।
अब मान लीजिए कि आपका अगेन दुकानदार के एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने उन भाई साहब ने कहा कि हाँ भाई बहुत अच्छी दुकान चल रही है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, ये है। मान लीजिए कि दुकान की एक टोटल एक लमसम वैल्यू जो है 10 लाख की है मान लीजिए, ठीक है। और तब आपको वो भाई साहब बोलते हैं कि ऐसे भाई साहब कि आप इसमें यू नो 5 लाख मुझे दे दो, 5 लाख की हिस्सेदारी ले लो दुकान की आप, है ना, 5 लाख रुपए लगाओ और आपकी 10% की हिस्सेदारी होगी इसमें, है ना। यानी कि जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे 10% आपका होगा, जो भी इसमें यू नो इनकम होगा या जो भी कुछ होगा उसमें 10% आपका होगा। आप खुद ही सोचो कि अगर आपको पहले से बता दूं मैं कि इस दुकान का वैल्यूएशन कुल यू नो 10 लाख का है, 10 लाख से ऊपर की दुकान या माल मिला दो या फिर उनका यू नो जो कुछ भी मिला दो आप, लेकिन 10 लाख से ऊपर की वैल्यूएशन नहीं है, तो क्या आप 10% शेयर के लिए 5 लाख रुपए देंगे? आपको लगेगा कि आपको 50% शेयर मिलना चाहिए, है ना, उस 5 लाख रुपए देने। इवन तो दुकानदार दुकान आगे ग्रो हो के कुछ भी बन जाए, लेकिन अभी जो है अगर आपने 10% शेयर पे आप सेटल हो गए, तो आगे दुकान जो है और ग्रो करेगी और कर उसके वैल्यूएशन जब 20 लाख होगा तो आपका पोर्शन स्टिल 10% ही है ना। तो राइट प्राइस पे खरीदना बहुत जरूरी है। आप जो भी कंपनी खरीद रहे हैं उसका सही दाम क्या होना चाहिए, उस पर भी एक रिसर्च होती है कि सही दाम कैसे की फाइंड किया जाए, और उस सही दाम का एक सही दाम से आप कितना उम्मीद कर सकते हैं कि वो दाम बढ़ सकता है। या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने कंपनी में 1 रुपया लगाया तो आपको कितना रुपया प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है ना। तो आप ये जो जानना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने 1 रुपया लगाया और प्रॉफिट 50 पैसे का ही हो रहा है ना, 50 पैसे का ही हो रहा है। अगर आपको कोई एक ऐसी उसके साथ साथ एक दूसरी कंपनी होती जहां आपने 1 रुपया लगाते हो और साल भर में 2 रुपये का प्रॉफिट देता है वो, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि कौन सी कंपनी में मैं लगाऊं जिसमें कि मुझे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल रहा है ना, जो मुझे ज्यादा फायदेमंद देगा। तो ये भी एक रिसर्च वर्क है। तो इस तरह से शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड टास्क है। तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या ऐसी रिसर्च है जो कि मैं करूं और उसके बाद से इसमें पैसा डालो। ओके, अब मान लीजिए कि आपने दुकान में ले ली हिस्सेदारी, है ना, उसके बाद से आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा भाई ऐसा है कि आपका दुकान चलाना काम है, अब मैं सो जाता हूँ ठीक है और आप दुकान चलाते रहो। क्या होता है कि शेयर मार्केट में जो अब दुकान दुकान की जो वैल्यू है या फिर जो भी उसका यू नो आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे का क्या हो रहा है, आपके पैसा कुछ पैसा कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा है और आगे कमाने की पोटेंशियल है कि नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब मैं एक दुकान की बात नहीं करूंगा, सपोज 10 दुकान है और आपको आपने एक दुकान में डाला पैसे, तो अगर आप ये देखते हैं कि यू नो 2 साल के बाद ये दुकान अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आपके पास आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप उस दुकान से पैसे ले लो, भाई ऐसा है कि मेरा पैसा वापस कर दो, है ना, हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया, जो भी प्रॉफिट ले लिया है, अब 2 साल के बाद मैं इस दुकान में पैसे लगाना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसा नहीं है, फिक्स डिपोजिट जैसा नहीं है कि आपने एक बार पैसा लगाया उसके बाद आप सो गए और उसके बाद से जब 6 महीने 8 महीने 5 साल का जो फिक्स डिपोजिट है, जब वो फिक्स डिपोजिट आएगा पैसा आपको दे के जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको शेयर मार्केट को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल लिया, जब आपने पैसे लगाए ब्लैकबेरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और ये कर रही थी वो कर रही थी, फिर आपको एक टाइम पे आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि अब मुझे लगता है कि ब्लैकबेरी से बाहर निकलना चाहिए। और ये भी बहुत ही रिसर्च इंटेंसिव वर्क है कि कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करने के साथ में आपको एनालाइज करना है कि क्या अभी भी इस कंपनी में वो बात है जिस बात पे के दम पे आपने इसमें पैसे लगाए थे, क्या अभी भी ये कंपनी आपको उतना पैसा देगी जितना आपने सोचा है, या फिर इससे अच्छा है कि मैं इससे निकाल के पैसे कहीं और पैसे लगाएं। क्योंकि देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा जो है ना एक बेंचमार्क के हिसाब से ज्यादा नहीं कमा रहा, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आप किसान विकास पत्र में पैसे लगाते हो और उसमें क्या होता है कि ऐसा लिख के आता है कि 9 साल में आपके पैसे दुगने होके मिलेंगे, तो आपको पता है कि एक 8% के आसपास शायद इसमें रिटर्न मिल रहा है, मान लो कि एक 8% का रिटर्न मिल रहा है और पैसे 2 साल में डबल हो जाएंगे। तो और अगर आप किसान विकास पत्र को देखो या फिक्स डिपॉजिट को देखो या जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड हम लोग लेते हैं एज ए बेंचमार्क, उनको सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कि अगर आपने उसमें पैसे लगाए हैं तो मोस्ट लाइकली आपके पैसे
नहीं डूबेंगे, उस गवर्नमेंट बैक्ड होने के चलते या फिर उसके पीछे एक ट्रस्ट होने के चलते, इसके पीछे एक बहुत अच्छी कंपनी होने के चलते, जो उसमें अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आपको एक जो रिटर्न की गारंटी दी गई है वो पैसा आपको मिलेगा। तो वो हो गया आपका बेंचमार्क। अब मान लीजिए कि आपका एक बेंचमार्क है कि आपको एक फिक्स्ड रेट से 10% रिटर्न देता ही देता है। मान लीजिए अभी के डेट में 10% रिटर्न मिल रहा है, जो कि बैंक गारंटेड है, बैंक फिर आरबीआई गारंटेड है, आरबीआई गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी सेफ इन्वेस्टमेंट। अब आपने शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसे लगाए और वो कंपनी भी आपको प्रॉफिट दे रही है और आपको रिटर्न दे रही है, लेकिन उसका रिटर्न भी 10% ही है, तो फिर आपने बहुत ज्यादा रिस्क लिया, राइट? एक आपने एक शेयर मार्केट रिस्की है, राइट? हाई रिस्क है ये। आपने शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर कंपनियां कल के डेट में डूब जाती है, कोई भी बैंक या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आपको बेल आउट नहीं कर सकता। ये ऐसा है कि आपने एक चीज एक एक दुकान में पैसे लगा, दुकान बैठ गई तो आपके पैसे भी डूब गए, जिसके जिसके पैसे लगे थे सबके पैसे डूब गए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इसका रिटर्न साल दर साल 10% ही दे रहा है, या 11, फॉर दैट मैटर 11% भी दे रहा है, तो इट्स नॉट दैट गुड रिटर्न। आप उसमें इसलिए पैसे मत लगा के बैठिए क्योंकि ये कुछ तो रिटर्न दे ही रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपने जो रिस्क लिया है उसके बनिस्पत कुछ तो ज्यादा मिले, कम से कम 1.5 गुना मिले। अगर आप अभी का बेंचमार्क अगर 10% का मान ले तो कम से कम 15% तो मिले कम से कम। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में आप जब भी घुसिए तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कितना कमा कितना कमा रहे। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या आपको सही रिटर्न दे रहा है? नहीं दे रहा है तो इट्स टाइम टू स्विच, या तो आप शेयर मार्केट में ही स्विच कीजिए, है ना, और या फिर आप उस पैसे को, अगर आपको लगता है शेयर मार्केट में कोई और कंपनी उतनी अच्छी नहीं दे सकती 10% से ज्यादा रिटर्न, तो आप बेटर है कि सबसे सेफ में डालिए ना, जहाँ पे चैन की नींद तो सो सकेंगे आप, है ना। कम से कम ये तो नहीं सोचेंगे कि कल मार्केट डाउन है तो इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, है ना। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो एक बात आप जान के रखिए कि अगर आपने बहुत सोच समझ के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, देर आर कंपनीज विच आर रियली 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 वेल्थ क्रिएटर। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कई बार साल भर और 2 साल भर में भी जो है वो पैसा आपका डबल कर देगी। एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो साल भर और 6 महीने के अंदर आपका पैसा आधा कर देंगी, ठीक है। तो जब भी आप सोचिए तो इसको इस हिसाब से सोचिए। अब आप ये कर सकते हैं कि अच्छी कंपनियों, आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल कंपनीज में लगाइए, कुछ बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने अपने तरफ से तो अच्छे में लगाएंगे, आपको हमेशा ही अपने तरफ से अच्छे में लगाइए। लेकिन बाय एनी चांस अगर आपका रिसर्च थोड़ा सा उतने तरीके से नहीं रहा, या सेंटिमेंट, कभी कभी सिंपली मार्केट कोई रीजन नहीं होता किसी कंपनी के शेयर डाउन होने का, सिंपली लोगों का सेंटिमेंट, जो जो बाय या सेल करना चाहते हैं उनका सेंटिमेंट, वो एक तरह से निराशावादी सेंटिमेंट में चल रहे हैं, इसके चलते उनको ज्यादा होप नहीं है, तो इसके चलते कभी भी प्राइस डाउन हो जाते हैं बिना किसी न्यूज के हो जाते हैं, कभी अफवाहों पर प्राइस डाउन हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पैसे को एक जगह लगाने के बजाय बहुत सारी जगह पर अच्छी अच्छी कंपनी में लगाएंगे, तो अगर एक दो कंपनियां निगेटिव जाती हैं बाकी कंपनियां पॉजिटिव जाती हैं, तो ओवरऑल एवरेज होकर आपका रिटर्न जो है कम से कम बेंचमार्क रिटर्न के 1.5 गुना या 2 गुना होना चाहिए, तब जाकर आपका एक तरह से बेनिफिट है वहां लगाने का। अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा वो नहीं है, है ना। और एक चीज आप हमेशा जानिए, गुड कंपनी बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने में कोई नुकसान नहीं है। तो लेकिन यही है कि ये इसमें कॉन्स्टेंट रिसर्च चाहिए और मॉनिटरिंग चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया बस 6 महीने में हम माला माल हो जाएंगे, साल भर में माला माल हो जाएंगे। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये ओवरनाइट वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई शेयर मार्केट में पैसा कमा रहा होता और हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता, एक साल के बाद पैसा लेके आता, भाई एक बोरी पैसा लेकर आया हूँ, है ना। ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो ओवरनाइट वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला नहीं है। जो लोग आपको ये कहते हैं कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाओ, देखो हफ्ते भर में डबल हो जाएगा, महीने भर में, 3 महीने में 1.5 गुना रिटर्न है, 2 महीने में, देखिए लक आपके साथ कभी हो सकता है, कभी किसी कंपनी में आप ऐसे समय पे घुसे, उसके बाद से कंपनी ने कोई अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, कुछ ऐसे उसके फेवर में न्यूज आई और आप एकदम से बिल्कुल 1.5 गुना पैसा बना लिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा फ्रिक्वेंट नहीं है।
और ऐसी कंपनियां अगर इतनी आसान होती, सबको पता करना, तो हर कोई उसी में पैसा लगा रहा होता, हर किसी का पैसा 6 महीने में डबल हो रहा होता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट? देखिए, आप एक चीज हमेशा जान के रखिए, अगर शेयर मार्केट में कहीं कोई पैसा कमा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे गंवा भी रहे हैं, ठीक है? तो ये ओवरनाइट वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो मुझे अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के से पता चला है कि जब आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो इसको समय दीजिए। शेयर मार्केट को आप एक आम का पेड़ समझिए, आपने गुठली रोपी है, पेड़ उगेगा, धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा, और चूंकि अगर वो पेड़ अच्छे से बढ़ रहा है, मतलब एक कंपनी अच्छे से बढ़ रही है, पेड़ मतलब कंपनी अगर मान ले, तो आप एक मान के चलिए कि फल भी बढ़िया मीठे मीठे आम देगा वो, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपको रिसर्च करना जरूरी है कि भाई अच्छी क्वालिटी का आम कौन सा है, अच्छा दुकान कौन सा है, उसके बाद से उसको मॉनिटर करना जरूरी है, मॉनिटर करने पर उसको टाइम देना जरूरी है कि भाई इसको टाइम दे ताकि वो ग्रो कर सके, जब वो ग्रो करेगा तो आप ग्रो करेंगे। तो ओवरनाइट वेल्थ क्रिएशन नहीं है। मैं नए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हमेशा सलाह देता हूँ, कभी भी इंट्राडे के चक्कर में ना पड़े, कभी फ्यूचर ऑप्शंस के चक्कर में शुरू में ना पड़े, है ना? सब कुछ है, इंट्राडे भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने आपने एक शेयर में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया है, तो कम से कम मीडियम टर्म का मतलब 2 से 3 साल उसको जरूर दें। 2 से 3 साल तक किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा डालें जिसके 2 से 3 साल में लगातार बढ़ने की उम्मीद है। अगर वो लगातार बढ़ रही है तो आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, और कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे रही है, चूंकि वो प्रॉफिट जब बनाएगी तो वो शेयर भी करेगी प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, एक कॉन्स्टेंट बीच बीच में अर्निंग भी आती रहेगी। हमेशा मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट सोचें, ठीक है? शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं सोचे कि शॉर्ट टर्म में हम पैसा बना लेंगे 6 महीने में 3 महीने में। शॉर्ट टर्म में आप पैसा बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, आप पैसा डूब भी सकते हैं। तो मीडियम टर्म एक ऐसा टर्म है जिसमें कि उचार उतार और चढ़ाव के बावजूद भी जनरली अगर आप निफ्टी 50 को देखें, है ना, 3 साल 4 साल में हमेशा जो है वो लोग बेंचमार्क को वो करते हैं, जो जो भी गवर्नमेंट का बेंचमार्क है उसको बीट करके उससे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आपको और मैं लेमेन लैंग्वेज में समझाऊं, तो एक बहुत लंबे समय में आप निफ्टी को 2000 में देखिए कि निफ्टी कितनी थी, निफ्टी 2000 में जो जो भी थी, और निफ्टी अब 2019 में जितनी है, समझ लीजिए निफ्टी को आप समझ लीजिए कि वो एक तरह से बेंचमार्क प्राइस है, कि निफ्टी 2000 में जिस भी रेट में ट्रेड कर रही थी और 2020 में जिस भी रेट में ट्रेड कर रही है, वो उतना गुना बढ़ गई। और आप पाएंगे कि ये आपके गवर्नमेंट बेंचमार्क अगर हम 10% भी लेके चलें, जो कि जनरली एफडी का रेट रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेरा सिंपल सा फोकस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप पैसे डालते हैं किसी कंपनी में, तो आप उस कंपनी पर भरोसा कीजिए, उसको देखिए बढ़ते हुए। हो सकता है बीच में कंपनी थोड़ी सी डाउन हो क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, कुछ निगेटिव सेंटिमेंट आया गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट जीएसटी आई तो बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट डाउन हो गया, कुछ जब नोटबंदी आई थी तो कुछ कंपनियों के रियल डाउन हो गया क्योंकि उनका कैश का कारोबार था पूरा का पूरा, तो उनके कैश में दिक्कत हुई, तो उनको थोड़ा सा उस क्वार्टर में गड़बड़ हो गया उनके साथ। जीएसटी आया तो कुछ जो कंपनियां जल्दी से जीएसटी अडॉप्ट कर ले, जिनका प्रोसेसेस बहुत अच्छे थे, वो तो तुरंत रिकवर कर गई, लेकिन जो कंपनियां जीएसटी पेपर पे ही काम चलता था, जो ऑनलाइन नहीं थी, जो कंप्यूटर्स के बारे में जिनको बहुत कम नॉलेज था, उनको जो है जीएसटी पे अडॉप्ट होने में टाइम लगा, तो उनके उनके अडॉप्शन रेट कम होने के चलते उनको उस क्वार्टर में थोड़ा डाउन टर्न मिल गया। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म होती हैं। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग आपको बताएगा कि प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आपको मॉनिटर करना है, आपको जानना है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं और समझते हैं कि थोड़ा सा एक टाइम है, तो आप सोच सकते हैं कंपनी को थोड़ा और टाइम दें कि आगे कैसे करती है, और फिर नजर रखें कि भाई कॉन्स्टेंटली क्या ये डाउन ट्रेंड की तरफ है, अप ट्रेंड की तरफ है, और सही समय पर सही निर्णय लेकिन निकलने का समय, रखने का समय, होल्ड करें या नहीं करें। लेकिन ये ओवरनाइट वेल्थ क्रिएशन नहीं है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जस्ट तुरंत तुरंत पैसे बना लूं, प्लीज आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। ज्यादातर केस में शायद आप पैसा डुबा देंगे, और जो कुछ लोग लकी होते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के भी वो हो जाते हैं, तो आप प्लीज उनके चक्कर में, उस तरह की बातों और उनके चक्कर में कभी नहीं आए। अब हम लोगों ने ये बात की ओवरऑल शेयर मार्केट के नेचर की। अब जब आप ये नेचर समझ गए हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है, तो उसके पहले एक छोटा सा क्विक मैं एक एक दो पर्सपेक्टिव और रखना चाहूँगा, जहाँ पर कि आपको शेयर मार्केट के बारे में रियली कुछ पॉइंट से सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी एज क्या है,
और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए अगर मान लीजिए कि आप एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जो कि 40 की उम्र में हैं लगभग, और आपके आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, आपको अपने बेटे को पढ़ाना है, और घर के खर्चे हैं और एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपको आपका अगर कोई भी पैसे का जो नुकसान है वो हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा घातक साबित हो आपके प्लान के हिसाब से, या हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे बचते ही नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। और उस केस में अगर आप किसी तरह की कंटीजेंसी, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ गया या फिर एकाएक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर शेयर मार्केट वोलेटाइल है ना, हो सकता है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत थी उसमें मार्केट बहुत ही डाउन था और आपको लॉस में बेचना पड़ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये सोच के पैसे डालें कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, खासकर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे कि आप अगर आपका मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उस मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। जैसे मान लीजिए कि बच्चे की फीस है ना, आप कुछ भी करें आप बच्चे की फीस आपको पे करनी है, तो आप ये नहीं कर सकते कि शेयर मार्केट जब आप ऊपर आएगा तब मैं बच्चे की फीस पे कर दूंगा, ये आप नहीं कर सकते। तो आप हमेशा अपने पैसे को तब लगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से, सब कुछ कवर करने के बाद, जो मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कवर करने के बाद आपके पास पैसे बचते हैं तो आप जो है उसको इन्वेस्ट करें, उसको इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में करें या कहीं और करें, पर उसको इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका एक शेयर मार्केट के हिसाब से दूसरा पॉइंट ये है कि आपका पेशेंस और पैनिक लेवल क्या है। पेशेंस एंड पैनिक लेवल का मतलब, आपने पैसे इन्वेस्ट किए उसके बाद से आप हर रोज जाकर देखते हैं कि भाई मेरा पैसा कितना बढ़ गया, शेयर मार्केट का शेयर कितना बढ़ गया, फिर हर तो ये ऐसे ऐसे आप जल्दी ही पैनिक हो सकते हैं या आप जल्दी अति उत्साहित भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि शेयर मार्केट हर दिन एक जैसा बिहेव नहीं करता। आज आपने शेयर में पैसे लगाए, हो सकता है कि अगले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में वो और टूट गया और उसका प्राइस डाउन हो गया, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि अरे ये तो पैसा नीचे ही जा रहा है। रोज रोज ट्रैक करने की चीज़ नहीं है शेयर मार्केट, आपने पैसा लगाया कंपनी में भरोसा कीजिए किया आपको, जैसे मैंने पहले बताया इट्स नॉट ओवरनाइट वेल्थ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए उसको, समय दीजिए, ठीक है, समय दीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए और उसको समझिए कि कैसे और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, एक क्वार्टर एक अच्छा टाइम हो सकता है जब आप एक अपने इन्वेस्टमेंट पर नजर डालें, क्योंकि उस समय कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया तो आप जाकर देखिए कि इसको इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में कैसा किया इसने, इसने इसको और अच्छा जैसा आपने सोचा था वैसा किया है नहीं किया, आगे का किया है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि आपको पैसा कब चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि शेयर मार्केट को हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सोचिए, 3 साल से पहले आपको पैसा चाहिए आप शेयर मार्केट में पैसा सोच समझ के लगाइए, कि मतलब आप एक मीडियम टर्म तो लेके ही चलिए कि आपको शेयर मार्केट में मीडियम टर्म में पैसे लगाने चाहिए, ताकि आप वोलाटाइल शेयर मार्केट ऊपर नीचे भी होता रहे तो भी ओवरऑल आप ऊपर में बेच पाए उसको, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत लॉन्ग समय तक डाउन टाइम चल सकता है, उस केस में हो सकता है आपको 3 साल से ज़्यादा भी पैसा होल्ड करना पड़े, अदरवाइज आप निगेटिव रिटर्न में आएंगे। तो आप ये हमेशा सोच के पैसा लगाइए कि ये पैसा आपको कब चाहिए। सिंपल सा एक रूल बनाइए कि जो पैसा आपको बहुत ही मैंडेटरी आपको चाहिए ही चाहिए, उन पैसों को कभी आप शेयर मार्केट में डालिए। जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे के रूप में है, जिनको आपको 10 साल तक छूने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास या तो कोई इनकम है जिसके चलते आपको दूसरे तरीके से पैसे आते रहेंगे, सैलरीज है, जो वो जो पैसे हैं वो प्योर सेविंग्स हैं, आप एक बार शेयर मार्केट में सोच सकते हैं लगाने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि क्या आप शेयर मार्केट में इसलिए पैसे लगाते हैं क्योंकि आपने किसी से सुन लिया कि फलां शेयर बहुत ही अच्छा है एंड फलां शेयर में आप पैसे लगाइए। बिलीव कीजिए, मैंने मैंने भी ये काम किया है और मैंने अपने हाथ चलाए हैं। मैंने मैंने बहुत ही हाई प्राइस पे कुछ शेयर्स खरीदे थे सिर्फ ये सुनकर कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और ऐसा है और वैसा है, और आप बिलीव कीजिए कि उसमें ऑलमोस्ट मैंने बहुत ही पैसा उसमें लूज कर दिया, 50-60% मैंने अपना कैपिटल लूज किया। ये बहुत बड़ी लर्निंग है, कभी भी आप र्यूमर्स स्पेकुलेशन पे पैसा मत लगाइए, हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट को, इट्स नॉट अबाउट शेयर मार्केट, किसी भी इन्वेस्टमेंट को समझिए और उसके बाद उसमें पैसा लगाइए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको रातों रात
अमीर नहीं बना सकती, जैसे शारदा चिटफंड घोटाले और बहुत सारे घोटाले आप सुन रहे हैं। ये घोटालों का मेन कारण यही था कि लोगों ने सोचा कि आज पैसे लगाएंगे और कोई मुझे बोल रहा है कि रातों रात पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो अगर कोई चीज़ बहुत ही लुक्रेटिव लगे कि रातों रात पैसे बन रहे हैं, कोई मुझे ये सुना रहा है, रूमर है, स्पेकुलेशंस है, आपको जो है इस पर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। आपको इस पर सीरियसली इस तरह से सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैंने ये काम किया तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रातों रात पैसा बन जाए? अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा बना रहा था। जो कंपनी लॉन्च कर रही है उन सब स्कीम्स को, इन्वेस्टमेंट स्कीम को, वो खुद पैसा बना रही होती है ना, वो आपका पैसा उसको क्यों चाहिए? उसके पास खुद ही, अगर उसके पास 10 रुपये भी हो, 2 महीने में 20 बना रही है, उसके 40 बना रही है, फटाफट वो करोड़ बना सकती है, राइट? तो आप इस चीज़ को हमेशा सोचिए कि रूमर्स, स्पेकुलेशंस, इस पे आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अपना विवेक लगाइए। ऐसा नहीं है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, इट टेक्स टाइम, या जो भी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट पे आप पैसा स्पेकुलेशन पे मत लगाइए। शेयर मार्केट में भी किसी भी शेयर में पैसा इसलिए मत लगाइए क्योंकि आपके दोस्त ने खरीदा है, किसी ने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छा, उसने बहुत कमा लिया है इससे। हो सकता है कि उसने कमाया नहीं हो, वो हो सकता है आप बेचने के चक्कर में हो और चाहते हैं कि आप अपना आप खरीद लें उनका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो बेचेंगे तो आपको कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, वो चाहते हैं कि ऑफलोड कर दें। इसलिए कई बार टीवी को भी सुन के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट लगाइए, क्योंकि कई बार जो एनालिस्ट होते हैं जो टीवी पे बोल रहे होते हैं, वो सिंपली मार्केट मेकिंग कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो एक उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया, मार्केट में जैसे ही प्राइस अप हुआ उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट ऑफलोड कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये खराब इन्वेस्टमेंट है और इसमें से जल्दी से मैं हाई प्राइस पर निकल जाऊँ। सो हमेशा अपनी रिसर्च कीजिए, हमेशा अपनी रिसर्च कीजिए, ठीक है? और उसको रिसर्च को वो करने दीजिए कि वो रिसर्च जो है उसको, उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हाँ ये मेरा रिसर्च है तो मैं इसमें ये करूँगा। और ये अगले पॉइंट को भी डिनोट करता है कि आप इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है स्टॉक मार्केट में, उसको आप लर्न कीजिए। और उसके अगले पॉइंट में मैंने ये कहा है कि अगर आप नहीं लर्न करना चाहते हैं या फिर आपके पास समय नहीं है, तो आप इससे अच्छा है कि आप एक स्टॉक एडवाइजरी सर्विस को लीजिए, स्टॉक रिसर्च एडवाइजरी सर्विस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जनरली मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी की भी स्टॉक रिसर्च एडवाइजरी सर्विस को नहीं लेता हूं, मैं अपना रिसर्च खुद करता हूं। तो आप उनको पे कर सकते हैं, आप उनको पे कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब कौन सा स्टॉक बेचना है। अगेन, जब आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप ओवरऑल ये देखिए कि आप ओवरऑल उनसे पैसा बना रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट को 25,000 रुपये दे दिए, 50,000 रुपये साल के दे दिए और पता चला कि आप उसमें से पैसे 10% के रेट से भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि फिर अगर आपको 10% ही बनाना था तो आप उस स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट को पैसे क्यों देंगे? आप इससे अच्छा फिक्स डिपोजिट में डाल देंगे उसको, है ना? तो हर एक चीज का एक एक प्रो एंड कॉन्स है। आप अपना रिसर्च करेंगे तो आप शायद बेटर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप अपना रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो स्टॉक एडवाइजरी सर्विस लीजिए, वो जो है जो आपको बताएंगे वो भी आपको हेल्थ वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोग पैरामीटर्स हमने जान लिए, अब हम लोग क्विकली इसको कंक्लूड करेंगे। अब मुझे पता है ये बहुत ही लंबा वीडियो है, लेकिन आई होप कि अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो कि एक शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जाननी जरूरी है। और इस कंक्लूजन में मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रखूंगा जिसको आप ध्यान से सोचिए, समझिए और इसको अपने शेयर इन्वेस्टमेंट आर्ट में ओवरऑल घुसाइए। ये केवल शेयर मार्केट से नहीं है, ये कुछ एक इन जनरल भी इन्वेस्टमेंट के टिप्स और कंक्लूजन है यहाँ पे। पहले, नो शेयर मार्केट बिफोर इन्वेस्ट। आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझिए, उसके बिहेवियर को समझिए, अगर आप बिहेवियर के साथ लाइन इन लाइन रहेंगे तो आप उसमें पैसे बना सकते हैं, नहीं तो आप पैसे गंवा सकते हैं। देखिए, जब शेयर मार्केट चढ़ता होता है ना तो हर कोई जो है ना, हर कोई आपको, एक लिफ्टमैन भी आपको बता देगा अरे फलां शेयर खरीद लो बहुत बढ़िया जाने वाला है। जब शेयर मार्केट चढ़ता रहता है तो हर कोई जो है ना बहुत सारा ज्ञान देता है, टीवी पे भी ज्ञान आता रहेगा, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये राजा है, वो घोड़ा है, चीता है। लेकिन आप एक चीज को हमेशा समझिए, शेयर मार्केट में पैसे आप तब बनाएंगे जब जब स्टॉक टूटा हुआ रहेगा, यानी कि जब शेयर मार्केट एक्चुअली डाउन होता है। जब शेयर मार्केट डाउन हो, आपका जो फेवरेट स्टॉक हो टूटा हुआ है, लोगों के सेंटिमेंट निराशावादी हैं, इसके चलते उसका दाम कम है, आपको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी के इसमें सब कुछ अच्छा है, फिर जो है आप वैसे समय में शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डालेंगे और जब वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, जब मार्केट सुधरेगा, तो आप पैसा बनाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल तो पहले से अच्छे थे, जो चीज़ तो पहले से, टमाटर आप मार्केट में टमाटर खरीदने जाते हो है ना, उसके भाव बहुत ही डाउन चल रहे हैं,
तो टमाटर की थोड़ी ना क्वालिटी खराब हो गई है, टमाटर में तो उतना ही विटामिन ए सी उतना ही लाल है ना। तो आप जो है उस टमाटर को खरीद लो ना, सस्ते में मिल रहा है तो, है ना, उसको आप खाओगे तो हेल्थ में ही कुछ तो अच्छा ही करेगा। ये आप क्यों सोच रहे हो कि भाई कोई नहीं खरीद रहा है टमाटर, तो टमाटर में कोई प्रॉब्लम है? टमाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जो आउटलुक है वो निगेटिव ही है ना। हमेशा जो है आप उस चीज के लिए ग्रीडी तब हुई है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रीडी तब हुई है जब बाकी लोग डर रहे हो। जब बाकी लोग डर रहे हो तो यानी कि वो निगेटिव सेंटिमेंट है, वो भाव शेयर का टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि किसी को कोई भी डर के मारे जो है ना वो खरीदना नहीं चाहता, शेयर सस्ते में बिक रहा है एक तरह से, है ना। उस समय आप जाइए उसको खरीदिए, क्योंकि वो आपकी अच्छी कंपनी है, आपको पता है कि वो कंपनी, और जब आप शेयर मार्केट खरीद रहे थे तो कोई जुआ नहीं खरीद रहे, तो कि आपने एक जुए में पैसे लगाया वो जुआ आपका लक अच्छा हो गया, आप एक्चुअली एक कंपनी खरीद रहे हैं, एक कंपनी का एक पार्ट खरीद रहे हैं, तो फिजिकल एंटिटी तो रहेगी ना, उसके अंदर का जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी वो तो रहेगी, बेचने की कैपेबिलिटी, उसका मैनेजमेंट जो भी है एसेट्स, कुछ थोड़ी ना कहीं चले जाएंगे केवल इसलिए क्योंकि मार्केट का प्राइस डाउन है। तो हमेशा अच्छी फंडामेंटल की कंपनी खरीदिए, लेकिन कब खरीदिए? जब वो सही भाव में, टूटे हुए भाव में मिल रही है, ताकि जब वो बढ़े, जब मार्केट ओवरऑल बढ़े, जब लोगों का पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, लोग फटाक से पैसे निकालते हैं, हाँ भाई ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, उस समय जब आप उसे टमाटर को बेचने जाएंगे तो लोग हाई प्राइस भी दें, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, शेयर टमाटर तो बहुत लाल था मस्त, तो भाई वो उसमें आपको पैसे देंगे। सो इस टेंडेंसी को समझिए, शेयर मार्केट की टेंडेंसी को समझिए और उसके हिसाब से पैसे लगाइए, ठीक है। शेयर मार्केट नीड पेशेंस, हमने पहले भी कहा, पेशेंस लगाइए। रोज रोज शेयर मार्केट को आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आप क्वार्टर बाई क्वार्टर उस पर नजर रखिए, उसका ट्रेंड पे नजर रखिए, पर ये नहीं कि आप रोज के रोज उसके पीछे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, या फिर आप रोज के रोज जो है वो ना, जब आपने 3 साल 2 साल 3 साल सोच लिया तो क्वार्टर बाई क्वार्टर उसको ट्रैक करते हुए 3 साल का समय दीजिए, वो आपको अच्छा रिटर्न दे के आएगा। ऐसा नहीं है कि पेड़ पे आम अभी बिल्कुल रोज देख रहे हैं कि आम की लंबाई कितनी बढ़ रही है, भाई आम कितना बड़ा हो रहा है, उसको टाइम दीजिए, वो अपने टाइम पे फिर आप उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। इनफैक्ट आप बीच बीच में भी प्रॉफिट बना सकते हैं, बीच बीच में आपको लगता है कि चलो मैंने मैंने 10,000 का शेयर खरीदा और मान लो कि 25,000 का हो गया है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एटलीस्ट 10,000 का, 25,000 के जो टोटल शेयर है मेरे पास, उसमें से 10,000 का शेयर बेच दूंगा, बाकी 15,000 मेरे फ्री के शेयर हैं, क्योंकि मैंने अपना कैपिटल तो निकाल लिया, अब जो है वो फ्री के शेयर है। आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर एक स्ट्रैटेजी में आपको पेशेंस की जरूरत है। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन टू वन बास्केट, ये बहुत पुरानी कहावत है, सारे अंडे एक बास्केट में रखिए, बास्केट गिरा अंडे सारे फूटे, है ना। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। मैं यहाँ पर केवल शेयर मार्केट के अंदर के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि आप मल्टीपल कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो में 10, 12, 15 कंपनियों का एक एक ऐसा बकेट बनाइए जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आप उतना ही कंपनियों का बकेट बनाइए जितनी कंपनियों को आप ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जैसा आपको पता है, जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। ऐसा नहीं कि आपने 200 कंपनियां डाल ली और आपको एक्चुअली किसी भी कंपनी को आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, किसी का कुछ छूट जा रहा है, कभी किसी का क्वार्टरली डील मिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाओ, लेकिन उस पोर्टफोलियो को आप कॉन्स्टेंटली नर्चर कर सको, देख सको। 10 आम के पेड़ लगाओ, लेकिन 10ों आम के पेड़ में ये नोटिस कर पाओ कि किसमें कीड़ा लग रहा है, किसमें जो है अच्छा ग्रोथ हो रहा है, किसको खाद की जरूरत है, किसको पानी की जरूरत है। कहने का मतलब है कि नर्चर करो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट मॉनिटर करो, कि यहाँ पर तो आपको शेयर मार्केट में खाद पानी देने की जरूरत नहीं है, वो कोई और कर रहा है, जिसका दुकान है वो ऑलरेडी कर रहा है वो, लेकिन आप देखो कि क्या वो ठीक से कर रहा है, और क्या आपको निकल जाना चाहिए, रहना चाहिए, वट एवर, है ना। तो आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट डाइवर्स, अब केवल शेयर मार्केट की बात नहीं है, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की बात करते हो तो आप ओवरऑल, आपके पास सपोज 1 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सारा 1 लाख रुपए आपका सेविंग है, उठा के शेयर मार्केट में डाल दो, ऐसा नहीं। आप एक काम करो, आप उसमें से ऐसा कर सकते हो कि आप उसमें से 25,000 जो है आपने फिक्स डिपोजिट में डाले, कि गाहे बगाहे कभी किसी समय में शेयर मार्केट डाउन रहा और आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप फिक्स डिपोजिट निकाल सको। उसमें से कुछ पैसे जो है आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है जनरली मार्केट को बीट करते हैं, यानी कि अगर मार्केट बिल्कुल ही डाउन है तब भी आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है कि बेटर हो एक्चुअली, या फिर मार्केट बिल्कुल ही अप है तो वो और बेटर पोजीशन में म्यूचुअल फंड और बेटर होगा। तो जनरली जो है, जनरली देखिए, ये अगेन म्यूचुअल फंड की तरफ मैं आपको नहीं मोड़ना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये, म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है कि मार्केट डाउन हो और वो म्यूचुअल फंड मार्केट से भी ज्यादा टूटा हुआ हो,
तो वो एक अलग ही टॉपिक ऑल टुगेदर। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स, किसान विकास पत्र 8 साल का ले लिया, या फिर जहां भी हो सके आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई, रिटायरमेंट का जो फंड है वो आप अपना अलग एक पीएफ में डाल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं, उसको आप जाने दीजिए वहां पे, है ना। उसको आप समझिए रिटायरमेंट के लिए है, आपका एक फिक्स डिपोजिट है वो 5 साल के लिए, एक फिक्स डिपोजिट 3 साल के लिए है, फिर जो बचा कुछ है पैसा है कुछ शेयर मार्केट से भी। तो होगा क्या कि ओवरऑल आप सारे आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो जब एवरेज आउट होंगे उनके रिटर्न, तो वो बेटर रिटर्न होंगे, क्योंकि आपने मार्केट से कुछ बहुत ज्यादा कमा लिया, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड ने आपको थोड़ा मिड लेवल का रिटर्न दिया, फिक्स डिपॉजिट ने एकदम बिल्कुल बेंचमार्क रिटर्न दिया, तो ओवरऑल आपका एक बेटर रिटर्न है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगर आप रिस्क सेवी नहीं है तो आपको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड देखना चाहिए। रिस्क सेवी होने का मतलब कि मान लीजिए कि आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप स्टॉक एडवाइजरी सर्विस में नहीं लेना चाहते, उसके अलावा आपको बिल्कुल ज्यादा भरोसा है नहीं, फिर भी मैं हर किसी को कहता हूँ कि अपने आप को, अपने इन्वेस्टमेंट को, आपके ओवरऑल पैसे को जब आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा शेयर मार्केट के तरफ अपने आप को एक्सपोज कीजिए, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट वे है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके लिए आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है, आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते। तो जनरली ये मैनेजर्स जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और काफ़ी रिसर्च, ये आपके बिहाफ से एक तरह से रिसर्च करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जनरली प्राइवेट कंपनियों के जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस तक लिंक होते हैं म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस से, यानी कि अगर वो म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं कर रहा तो उनको लात मार के नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो जनरली इन जनरल मैंने देखा है कि ज़्यादातर आप रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, आपको ढेरों ढेरों वेबसाइट्स हैं जो कि आपको रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, परफॉर्मेंस, ये सब वो सब सब बताएंगे, और आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ कुछ चीज़ें शेयर मार्केट की अप्लाई होती है, वो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड 3 साल से पहले आप कभी मत सोचिए कि आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकालेंगे, कभी भी नहीं। अगर आप 3 साल नहीं पैसे डाल सकते, म्यूचुअल फंड में भी पैसे मत डालिए, ठीक है। 3 साल, 5 साल, और बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है म्यूचुअल फंड। मुझे याद है कि मैंने अपने कॉलेज टाइम पे, कॉलेज खत्म होने के बाद जब हमारी पहली सैलरी आई थी नौकरी की, तो मैंने एक म्यूचुअल फंड में, अगेन मैं इंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन रिलायंस का एक म्यूचुअल फंड था जिसमें कि मैंने 10,500 रुपये लगाए थे, और 10 साल के बाद जब मैंने उस म्यूचुअल फंड से पैसे लगाए तो तकरीबन 57 से 60 हज़ार के आसपास मैंने पैसे निकाले जब मैंने उसको फाइनली सेल किया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड जो है वो हमेशा ग्रोइंग मोड में ही रहा। जब 2008 का रिसेशन आया था तो वो डिप में भी गया और फिर ऊपर उठा, फिर डिप में गया, ऊपर उठा, डिफरेंट डिफरेंट समय पे। लेकिन ओवरऑल मैंने 10 साल में, मुझे इस चीज़ की संतुष्टि कि मैंने 6 गुना पैसे बनाए, जो कि कहीं नहीं बन सकते। किसी भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में, सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसे नहीं बन सकते, केवल इक्विटी मार्केट ही आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं अगेन बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। हमेशा पैसे लगाइए, और ऐसे पैसे लगाइए जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिनको आपको छूना नहीं है, है ना, और उसको आप म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा सकते हैं। अगर आप डेफिनेटिव रिटर्न की तरफ एग्रेसिव हैं कि मुझे 1 लाख रुपए मेरे पास हैं लेकिन मुझे हर साल 15% का रिटर्न चाहिए ही चाहिए, तो आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत केयरफुली बनाइए, कितना पैसा कहाँ लगाना है ये बहुत सावधानी से बनाने की ज़रूरत है, अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो। क्योंकि जितना कम वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट है वो उतना कम रिटर्न देगा, जितना ज़्यादा रिस्क है वो ज़्यादा रिटर्न देगा, जितना कम रिस्क है वो कम रिटर्न देगा, तो आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करनी पड़ेगी। अगेन शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, मैं इस पर आगे नहीं बोलूंगा, मैंने कई बार इन्फेसिस किया, इसको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए, नहीं कर सकते। मीडियम टर्म से नीचे आप अगर आप आना चाहते हैं तो आप एक बड़ा जोखिम उठाएंगे, और उस जोखिम के लिए तैयार रहिए। डू नॉट गो इक्विटी लिंक इंश्योरेंस एवर एवर। जब आप मार्केट में जाएंगे, आप शेयर मार्केट के बारे में जब थोड़ी जानकारी हासिल करने जाएंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे भाई साहब ये इंश्योरेंस आप ले लो, ये इंश्योरेंस यूनिट लिंक प्लान से है, यानी शेयर मार्केट के हिसाब से। वो आपको बहुत लंबा थोड़ा चार्ट भी दिखाएंगे, शेयर मार्केट के हिसाब से ये इतना बढ़ा तो देखो ये इसने इतना रिटर्न दिया और ये किया, और आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। आप एक चीज़ हमेशा जान के रखिए, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रखिए, आप अपने इंश्योरेंस को कभी भी मार्केट से मत जोड़िए,
कभी भी नहीं, क्योंकि मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप मान लीजिए उस चाल में आ गए और आपने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो वो पैसा मान लीजिए कि आपको आपके देखिए इंश्योरेंस किस लिए होता है, इंश्योरेंस इसलिए होता है कि आपातकाल में आपकी फैमिली को किसी तरह की दिक्कत ना हो, राइट, जब आप उनके लिए नहीं रहे तो फिर उनको पैसे मिलने चाहिए, और मान लीजिए कि उसमें मार्केट डाउन है तो आपके चूंकि पैसे जो है वो एक इक्विटी मार्केट से लिंक है, तो एक्चुअली आपको रिटर्न कुछ खास नहीं मिलने वाला है ना, उसको उस पैसे पर रिटर्न तो नहीं मिलने वाला है। इंश्योरेंस का जो आप बोलो कि इंश्योरेंस का एक हमारा तो सम तो मिलता है ना जी, एक एक कंफर्म सम मिलता है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कभी अगर आप कैलकुलेशन कर पाए तो आप फिगर आउट करेंगे कि इंश्योरेंस जो पे इक्विटी लिंक इंश्योरेंस पे जो रिटर्न्स होते हैं वो उसके ऊपर जितना रिस्क होता है उसके लायक नहीं होते, वो 7-8%, 5%, 6% का रिटर्न है। तो भाई अगर मुझे वही करना था तो मैं क्यों नहीं एक टर्म प्लान ले लूं, टर्म प्लान आपको पता है जिसमें कि आप बहुत कम अमाउंट में बहुत हाई इंश्योरेंस ले सकते हैं लेकिन उसमें कुछ रिटर्न नहीं देता कंपनी, तो टर्म प्लान ले लूं मैं कुछ पैसों से, और जो जो प्रीमियम का अमाउंट है और बाकी प्रीमियम का अमाउंट में फिक्स डिपॉजिट और इक्विटी मार्केट में इंडिपेंडेंटली डाल दो, है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे टर्म प्लान से इंश्योरेंस कवर मिल गया, प्लस मेरा जो पैसा है उसको मैं कभी भी मार्केट से निकाल सकता हूँ। इसमें तो आप पैसा निकाल भी नहीं सकते कभी, इक्विटी लिंक इंश्योरेंस प्लान में आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में आप बोलो कि नहीं भैया मुझे पैसे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ दे दो, है ना, आई डोंट थिंक कि इतना आसान है इसमें, ठीक है। उसके अलावा इक्विटी लिंक इंश्योरेंस प्लान में जो मैनेजर्स होते हैं उनकी बहुत ही मोटी कमाई होती है उसमें, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहला 3 जो साल होता है उसमें इक्विटी लिंक इंश्योरेंस प्लान में आप ऑलमोस्ट वो सारा पैसा जो है कंपनी में खप जाता है, वो आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में जाता ही नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो आप किसी भी इक्विटी लिंक इंश्योरेंस प्लान वाले बंदे से ये पूछ लो कि आप कि 2 साल में ही अगर मुझे मुझे इंश्योरेंस खत्म करना है तो मुझे कितना पैसा वापस आएगा, और आप बिलीव नहीं करोगे कि आपने जितना प्रीमियम दिया था उसका आधा भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, 2 साल का जो प्रीमियम है। तो आप कभी भी इक्विटी लिंक इंश्योरेंस प्लान मत लीजिए ये सोचकर कि मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, वो आपको एक्चुअली फंसा फंसा देगी लॉन्ग टर्म में। सो आप हमेशा ये सोच के पैसे लगाइए कि इंश्योरेंस एक अलग प्रोडक्ट है, इक्विटी एक अलग इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस का पर्पस ही अलग है ऑल टुगेदर। इंश्योरेंस का पर्पस ये नहीं है कि आप पैसे कमाएं अपने लिए, उसके लिए फिक्स डिपॉजिट और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड बॉन्ड सब कुछ है, इंश्योरेंस का पर्पस ही कुछ और है। इंश्योरेंस का पर्पस है आपातकाल में आपकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, एटलीस्ट इनिशियली कुछ दिनों तक सस्टेन करने के लिए सफिशियंट पैसे मिल जाए, वो है इंश्योरेंस का पर्पस, तो उसको उस इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। एट लास्ट डू नॉट फॉलो अदर्स, डू योर ओन होमवर्क। मैंने पहले कहा र्यूमर्स पे, किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, FD, व्हाटएवर, जो भी इन्वेस्टमेंट है किसी के कहने पर मत लगाइए, आप उसको समझिए, उसको जानिए, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है फिर आप उसमें पैसे लगाइए, लेकिन कभी भी किसी के कहने पे पैसे मत डालिए, ठीक है, उसको समझिए उस इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, और उसके बाद ही उसमें पैसे लगाइए, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड हो या फिक्स डिपोजिट हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट को समझिए और तभी उसमें पैसे लगाइए। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी की पूरी जो हमने बातें की ये आपके लिए काफ़ी सहायक रहेंगी ये निर्णय लेने में कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट कैसे करने चाहिए। स्पेशली मैं नए भी जो नई नई नौकरी शुरू कर रहे हैं या फिर जिनके पास बहुत लायबिलिटी नहीं होती, मैं उनको भी एक तरह से यहाँ पे एक तरह से कहना चाहता हूँ कि आप इसको समझिए, शेयर मार्केट को समझिए और इसमें पैसा लगाइए, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने इस वीडियो में बात की, और आपको शेयर मार्केट में हिचकिचाना नहीं है, किसी भी तरीके से शुरू करना है पर शुरू करना है, जाना है, समझना है, जानना है उसको, है ना, बाकियों से नॉलेज लेना है, हमसे नॉलेज लेना है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।